वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पूर्ण संख्याओं के गुण पढ़ेंगे यानी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याओं के बारे में आप जान चुके हैं कि जैसे नेचुरल नंबर में हम जीरो और इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा पूरा कलेक्शन बन जाता है, वो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्याएं क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 जितनी भी काउंटिंग में हम यूज करते हैं नंबर्स, वो सब की सब पूर्ण संख्याएं हैं। अब हम इन नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। पहले हम लोग पहली प्रॉपर्टी देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संवृत्त गुण क्या होता है। संवृत्त गुण के लिए हम लोग जानते हैं कि किन्हीं भी दो नंबर्स को हम चार तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, उनको चार तरीके से डील कर सकते हैं। हम दो नंबर्स को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। इन चारों संक्रियाओं के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे संवृत्त गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। देखिए, संवृत्त गुण ये है कि आपके पास एक थैला है और इस थैले में होल नंबर्स भरी हुई हैं, यानी इस थैले में सारी पूर्ण संख्याएं हैं, सारी पूर्ण संख्याएं। अब आपके पास अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स को जोड़ने पे जो हमें संख्या मिल रही है, क्या वो भी इसी थैले में हमें मिलेगी, ये हमें देखना है। मान लीजिए आपके पास एक पूर्ण संख्या है 10, दूसरी पूर्ण संख्या है 20, आपने इन दोनों को जोड़ा तो 10 + 20 = 30। क्या 30 भी एक पूर्ण संख्या है? यस, 30 इज ऑल्सो ए होल नंबर। यानी जब हम किन्हीं भी दो नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो उनका जो जोड़ आ रहा है वो भी इसी कलेक्शन में, इसी बैग में, यानी पूर्ण संख्याओं के सेट में वो हमें योग भी मिल रहा है। कोई भी दो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो भी हमें पूर्ण संख्या मिल रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? संवृत्त गुण। संवृत्त गुण है किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे भी हमें एक पूर्ण संख्या मिलती है। ये हो गया हमारा संवृत्त गुण, इंग्लिश में बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। आप लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज को याद रखें क्योंकि आगे क्लासेस में इनका बहुत यूज होना है। सारी हम इंग्लिश में याद रखेंगे प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी योग के लिए देखी, यानी एडिशन के लिए देखी। चार चीजें हमारे पास एडिशन। एडिशन में हमने देखा कि जैसे ही हम दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें जोड़ने पे जो योगफल मिल रहा है वो भी एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब है कि दोनों जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही हैं। क्यों सेटिस्फाई कर रही हैं? क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पे भी हमें एक पूर्ण संख्या मिल रही है। ये हमारी संवृत्त गुण कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। अब अगर हम देखें दो संख्याओं को गुणा करें तब हमें क्या मिलेगा। मान लीजिए हमने दे लिया 3 और 4, 3 और 4 का गुणा किया तो 12 मिल गया। 3 एक पूर्ण संख्या थी, 4 एक पूर्ण संख्या है, 12 भी एक पूर्ण संख्या है। यानी ये सब के सब होल नंबर्स हैं। दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें एक होल नंबर मिल रही है और ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लीकेशन के अंडर में आ जाएगी। यानी हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइंग अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लीकेशन। जब हम जोड़ में देख रहे हैं, योग में देख रहे हैं, तो योग में भी संवृत्त गुण सेटिस्फाई हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन गुणन में देख रहे हैं तो गुणा करने पे भी संवृत्त गुण पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर दें, देखिए डिवाइड करें, जैसे हम 12 में से 3 डिवाइड किया तो हमें 4 मिल गया, पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम 12 में से 5 को डिवाइड करें तब हम देखेंगे कि हमें कितना मिल जाएगा, 2 / 2/5 का, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब है कि दो संख्याओं को जब हम भाग दे रहे हैं तब हमें पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है, यानी कि डिवीजन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, भाग देने में संवृत्त गुण सेटिस्फाई नहीं होता है। इसके बाद हमारी चौथी संक्रिया क्या बचती है? योग हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, अब क्या बचा? सब्ट्रैक्शन, घटाना। आप कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 मिला, 4 में से 3 घटाया तो 1, हमें ये भी एक पूर्णांक है, मालूम है हमें होल नंबर है। लेकिन अगर हम 3 में से 4 घटाएं तो हमें -1 मिलेगा, ये तो एक होल नंबर नहीं है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि घटाने पे भी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। चारों संक्रियाओं में हमने देख लिया, जोड़ने में सेटिस्फाई हो रहा है, गुणा करने में सेटिस्फाई हो रहा है, डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है एंड सब्ट्रैक्शन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो होल नंबर्स हैं वो सब की सब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर
मल्टीप्लिकेशन। आप समझ गए होंगे क्यों हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन में कहा, क्योंकि हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तब भी हमें एक पूर्ण संख्या मिल रही है, दो पूर्ण संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तब भी हमें एक पूर्ण संख्या मिल रही है। वहीं अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को भाग दे रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हमें पूर्ण संख्या मिले, इसलिए दो पूर्ण संख्या भाग देने में इस गुण को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, भाग देने में इस गुण का पालन नहीं करती हैं। तो हम बोल रहे हैं होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि योग में और गुणा में समवृत्त गुण पूर्ण संख्याएं पालन करती हैं। अब हमें अगली प्रॉपर्टी देखना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम का मतलब क्या किन्हीं भी दो संख्याओं का क्रम बदलने से भी उनके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। चारों चीजों में हम देखेंगे, एडिशन में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, डिवीजन में देखेंगे एंड सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। सबसे पहले हम एडिशन में देखते हैं। मान लीजिए हमने तीन में चार को जोड़ा और चार में तीन को जोड़ा, यानी इधर 3+4 हमने इसका क्रम बदल दिया, चार को पहले लिख दिया, तीन को बाद में लिख दिया। तब देखें क्या दोनों का आंसर सेम होगा, 3+4 12 होगा और 4+3 भी 12 होगा, सही है। कोई भी आप दो संख्याएं ले लें, आप 12 में 13 को जोड़ें तो हमें 25 मिलेगा, और अगर 13 में 12 को जोड़ें तब भी हमें 25 मिल रहा है। तो कोई भी दो पूर्ण संख्याओं के अगर हम क्रम को बदल देते हैं जोड़ने में, तब उनके उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि दोनों पूर्ण संख्याएं इस क्रम विनिमेय नियम यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन प्लस सिंबल के अंतर्गत पालन करती हैं। ये प्लस में तो हो गया सेटिस्फाई, सही हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, अगर कोई भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उनके क्रम को बदल देंगे तब क्या उत्तर में कोई परिवर्तन होगा। आप देखें तीन में हम चार का गुणा कर रहे हैं तो हमें 12 मिला, और चार में तीन का गुणा कर दिया तब भी हमें 12 मिला, तो सही है। 3×4 करें या 4×3 करें उनके आंसर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन में भी होल नंबर्स इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन। डिवीजन में आप देखिए कि हम 12 में से 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है, लेकिन अगर 3 में 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 नहीं मिलेगा। इसका मतलब डिवीजन में ये गुण सेटिस्फाई नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में देखें, 3-4 करेंगे तो हमें -1 मिलेगा, और 4-3 करेंगे तो हमें +1 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्शन में भी ये गुण पालन नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई होती है। आप लोग समझ गए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्रम विनिमेय नियम। अगर हम किन्हीं भी दो संख्याओं के क्रम को बदल दें, a+b को b+a लिख दें तो वो सही है, यानी कि दो पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमेय नियम का पालन करती हैं। किन किन संख्याओं में? प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में। कह सकते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल नंबर्स के लिए कम्यूटेटिव होते हैं, यानी कि आप जोड़ने में भी किन्हीं भी दो संख्याओं के ऑर्डर को बदल सकते हैं और मल्टीप्लाई करने में भी ऑर्डर को बदल सकते हैं। जब हम लोग क्वेश्चन में लगाएंगे तो वहाँ पे कहा जाएगा कि सूटेबल ऑर्डर में इनको लगा के अरेंज करके आप लोग आंसर निकालिए। तो हम a+b को b+a लिख सकते हैं, c+a को a+c लिख सकते हैं, या आपको दे दिया जाए कि 5×10 तो आप इसको 10×5 लिख सकते हैं। तो सवाल को लगाने में इन प्रॉपर्टीज को हमें यूज़ करना है। आप लोग समझ गए होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्रम विनिमेय नियम। तो क्रम विनिमेय नियम योग में भी सेटिस्फाई होता है और मल्टीप्लिकेशन में गुणा करने में भी सेटिस्फाई होता है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है और डिवीजन में नहीं होता है। हमने यहाँ पे लिखा एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स। हिंदी में बोल सकते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए योग और गुणन दोनों ही क्रम विनिमेय है। योग और गुणन दोनों क्रम विनिमेय नियम का पालन करते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। अब हम लोग थर्ड चीज देखेंगे, योग और गुणन की सहचारिता, यानी अब हम सहचर्य नियम देखेंगे। सहचर्य नियम को अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ बोलें या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमें देखना है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, योग और गुणन की सहचारिता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि जैसे आप लोग 2+3+4 ऐसे आपको एक सवाल दिया गया हो और यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, तो इस ब्रैकेट का मतलब है
कि पहले आप 2 में 3 को जोड़ेंगे 5 आएगा, फिर आप 4 को जोड़ेंगे तो हमें आंसर 9 मिल गया। और अगर इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर दें 2 प्लस 3 प्लस 4 कर दें, तब देखिएगा सेम आंसर आएगा। आप देखेंगे 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें बराबर हैं। हम ब्रैकेट को ट्रांसफर कर सकते हैं जब सब चीजें योग में लिखी हुई हैं। ये लिखा 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको हम पढ़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको पढ़ेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये जो ब्रैकेट है इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं। इस गुण को हम बोलते हैं सहचर नियम, यानी एसोसिएटिव लॉ। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, यानी दो पूर्ण संख्याएं योग में इस सहचर नियम को पालन करती हैं। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में भी क्या ये पालन करती हैं। आप लोग ले लीजिए कोई भी तीन नंबर्स, मान लीजिए 3 × 4 × 5 हमने किया, हमने 4 × 5 में मल्टीप्लाई ब्रैकेट लगा दिया, तो 3 × पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 4 × 5 = 20, अब 3 × 20 हमें 60 मिल गया। नेक्स्ट अगर हम 3 × 4 में ब्रैकेट लगा लें और फिर 5 लिख दें, यानी नंबर सेम है 3 4 5 3 4 5, हमने केवल इस ब्रैकेट को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, तब देखें 3 × 4 = 12 हो जाएगा एंड 12 × 5 = 60 हो जाएगा, यानी हम देखें आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो गुणन में भी सहचर नियम का पालन करती हैं। तो आप समझ गए होंगे जो योग और गुणन में सहचर नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये सेटिस्फाई करती हैं। तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ए, कोई भी अगर ए और बी दो पूर्ण संख्या है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हम लिख सकते हैं, यानी हम ब्रैकेट को यहाँ से वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, योग पर गुणन का वितरण। वितरण नियम क्या होता है, जैसे आपको ये मिल जाए 3 × 3 के बाद ब्रैकेट लगा हुआ है और 4 + 5, तो इसको हम लिखेंगे 3 को हम योग है यहाँ पे 4 + 5, इसको हम बोलते हैं योग पर गुणन का वितरण नियम। ये गुणा करना है और अंदर योग है, तो योग पे गुणन का वितरण नियम होता है कि हमें अगर मिल जाए 3 × 4 + 5 तो हम पहले करेंगे 3 × 4 और फिर करेंगे प्लस 3 × 5, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है, इसको हम बोलते हैं वितरण नियम। ये वितरण नियम होता है और ये जो वितरण नियम है ये योग पर गुणन का वितरण नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो योग पर गुणन का वितरण नियम क्या है, अगर हमें a × b + c मिल जाए, a × b + c ब्रैकेट के अंदर, तो हम पहले a का मल्टीप्लाई b में करेंगे और प्लस a का मल्टीप्लाई c में करेंगे। वहीं अगर यहाँ पे माइनस लिखा हो तो हम लिखेंगे a × b - a × c। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। एडिशन सिंबल में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a × b + c, तो a × b + a × c, पहले a का मल्टीप्लाई b में किया, फिर a का मल्टीप्लाई c में किया और दोनों को जोड़ दिया, तो हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, यानी 3 × 4 + 5 = हम लिख सकते हैं 3 × 4 + 3 × 5। तो ये प्रॉपर्टी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वितरण नियम। अब हमें देखना है पूर्ण संख्याओं के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं। आइडेंटिटी का मतलब तत्समक अवयव। अब ये दो संख्याओं के लिए होंगे, योग के लिए और गुणन के लिए। योग के लिए जो तत्समक अवयव होता है उसको हम बोलते हैं योगात्मक तत्समक। ये दो मिलेंगे हमें, एक तो हमें मिल रहा है योगात्मक तत्समक की अंग्रेजी होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखें आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होता क्या है। एडिटिव आइडेंटिटी वो चीज होती है जिसको हम किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ें तो उस पूर्ण संख्या में कोई भी चेंजमेंट ना हो। जैसे आपके पास एक पूर्ण संख्या है 10, 10 में हम कितना जोड़ें कि 10 ही बना रहे। सभी लोग बता सकते हैं कि जैसे ही हम 10 में 0 जोड़ेंगे तो हमें 10 ही मिलेगा। तो आपको याद रखना हमेशा 0 जो है, 0 आपका योगात्मक तत्समक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है, यानी किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो उस संख्या में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये हमारा 0 हो गया योगात्मक तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी एडिशन के लिए होती है एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और हिंदी में बोलेंगे गुणात्मक तत्समक। तो अब हम लोग देखेंगे कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है।
गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपने देखा कि एडिटिव आइडेंटिटी थी कि किसी भी संख्या में हम क्या जोड़ें कि उस संख्या में कोई चेंजमेंट ना हो जाए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी संख्या में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि उस संख्या में कोई चेंजमेंट ना हो। तो सभी लोग जानते हैं कि वन यानी इकाई, वन को हम लोग किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो आप हमेशा याद रखें कि वन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी पूर्ण संख्या का गुणात्मक तत्समक वन होता है यानी इकाई होती है, किसी भी पूर्ण संख्या का योगात्मक तत्समक जीरो होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी होल नंबर इज वन। हमेशा आप बताएंगे जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि पांच की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताइए, तो पांच की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम बताएंगे एक है, पांच में एक का गुणा करेंगे पांच मिल जाएगा। पांच की एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, योगात्मक तत्समक संख्या का योगात्मक तत्समक जीरो होगा, फाइव प्लस जीरो करेंगे फाइव ही रहेगा। तो इस तरह से हमने ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम लोग एक बार फिर से सारी प्रॉपर्टीज को रिवाइज करेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको समवृत्त नियम कहा गया था, समवृत्त नियम। समवृत्त नियम क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पे भी एक पूर्ण संख्या मिलती है, किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पे भी एक पूर्ण संख्या मिलती है। ये प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है और हम कहते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग और गुणा में समवृत्त नियम का पालन करती हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हुई हमारी, दो संख्याओं को जोड़ने पे भी पूर्ण संख्या मिलती है, दो पूर्ण संख्याओं को गुणा करने पे भी पूर्ण संख्या मिलती है, यह गुण हमारा समवृत्त गुण कहलाता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसकी हिंदी क्या थी, सहचर नियम। सहचर नियम, सहचर नियम क्या था कि हम किन्हीं भी दो संख्याओं के ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं। अगर ये लिखा a प्लस बी प्लस सी तो हम इसको a प्लस बी और प्लस सी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी यही चीज होगी, a इंटू बी इंटू सी को हम a इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं। तीनों योग में है, याद रखना है तीनों प्लस में है, यहाँ भी तीनों प्लस में है, हमने इस ब्रैकेट उठा के यहाँ कर दिया। ये जो नियम है हमारा ये सहचर नियम कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेय नियम। तो क्रम विनिमेय नियम हमारा योग और गुणा में क्रम विनिमेय नियम सेटिस्फाई होता है। क्रम विनिमेय नियम होता है कि किन्हीं भी दो संख्याओं के अगर हम क्रम को बदल दें तो उनके योग में कोई परिवर्तन नहीं होता, या किन्हीं भी दो संख्याओं के क्रम को बदल दें तो उनके गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होता। चाहे हम a प्लस बी कहें और b प्लस ए कहें दोनों सेम होगा, a इंटू बी कहें b इंटू ए कहें दोनों सेम होगा। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसमें पढ़ा है हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। यानी कि अगर हमें मिल जाए a इंटू बी प्लस सी तो हम इसको लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये हमारा वितरण नियम था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम वितरण नियम बोलते हैं हिंदी में। वितरण नियम है हमारा a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यानी आपको एक सवाल अगर दे दिया जाए कि 20 गुणा 10 प्लस 5 करना है तो आप पहले 20 का गुणा 10 में करेंगे, 20 गुणा 10 और फिर प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, फिर 20 का गुणा 5 में कर देंगे 20 गुणा 5 और इनको हल कर लेंगे 200 और इसको हल कर देंगे 100 और इनको जोड़ देंगे 300। इस तरह से उत्तर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी है आइडेंटिटी यानी तत्समक। आइडेंटिटी हमने दो पढ़ी है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी हमेशा जीरो रहेगी, जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी या इसको हिंदी में बोलते हैं योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक। तो हर एक संख्या के लिए जीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा वन रहेगी, इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। यानी किसी भी संख्या में अगर हम एक का गुणा करते हैं तो उस संख्या में कोई चेंजमेंट नहीं होता, वो नंबर अनचेंज रहती है। तो इस तरह से ये हमारा वन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगा योगात्मक तत्समक,
और गुणात्मक तत्समक। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी होल नंबर्स की। इन प्रॉपर्टीज को आपको हमेशा याद रखना है, आपको सेवेंथ क्लास में भी इनका यूज करना है, एट में भी यूज करना है, नाइन्थ में भी यूज करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, अभी से आपको इनको बेहतर तरीके से समझ लेना है और अपने नोटबुक में लिख लेना है। थैंक यू।